गुजरात के वडोदरा में ब्राह्मण सभा संस्था द्वारा व्रत बंद का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्राह्मण सभा संस्था द्वारा महाराष्ट्रीयन दक्षिणी ब्राह्मण के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्रत बंद के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने उपस्थित रहकर इस धार्मिक आयोजन का लाभ लिया। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें मेरे लड़के का जन्मदिन हुआ, तो वो बहुत ही अच्छा फंक्शन यहाँ पे रहा। हम लोगों ने अच्छे से सब सेलिब्रेट किया यहाँ पे। अभी जो उसके हम लोग सोच रहे थे कि इस साल में ही करें, तो जो यहाँ की संस्था है उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोगों को टाइम भी सब कुछ बता दिया था कि कैसे हम लोग करने वाले हैं। उनका जो ऑर्गेनाइज़र थे वो हम लोगों को अच्छे तरह से कोऑपरेट करके अच्छे से हम लोगों को गाइड किया कि कैसे कैसे हम लोगों को सुबह में टाइमिंग के साथ में ये जो प्रोग्राम है उसको अरेंज करना है। तो पहले से उन्होंने सब कुछ इंतजाम करके रखा था, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं थी। ऐसे जो संस्था है उन लोगों को अपने और मोटिवेट करना चाहिए कि कहीं पे भी ऐसे प्रोग्राम होते हो तो हम लोगों को पार्टिसिपेट होना चाहिए, कि जो बहुत सारे खर्चे हम लोगों के बचा सकते हैं उस लोगों में हम लोगों का भी एक सपोर्ट रहता है। तो हम लोगों को अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद हमारे यहाँ उपनयन संस्कार का कार्यक्रम होता है और करीब 40 या 45 साल से ये कर रहा है। ब्राह्मण सभा को अभी 100 वर्ष पूरे होने आए हैं और ये एक संस्कार है जो ब्राह्मणों के जीवन में होना ही चाहिए। इसके लिए हम सामाजिक ये काम कर रहे हैं कि सबके लड़कों को उपनयन संस्कार देना चाहिए और यही कार्यक्रम आज हो रहा है। ये ब्राह्मण सभा संस्था है जो पिछले तकरीबन 96 साल से यहाँ पे काम कर रही है और पूरे बड़ौदा के जितने भी महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण हैं उनके लिए ये काम करती है। और यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम होते रहे, पूरे साल भर होते हैं। उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम होता है जो 16 संस्कारों के अंतर्गत जो आता है, वो जनेऊ संस्कार या व्रतबंध संस्कार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण सभा में ये व्यवस्था की गई है कि जो भी समाज में उतने आर्थिक पद्धति से उतने उच्च स्तरीय लोग नहीं हैं या जिनको करना नहीं चाहते हैं, जो बड़े पैमाने पर और जो प्रॉपर संस्कार ही चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ब्राह्मण सभा द्वारा उनका व्रतबंध का या जनेऊ का संस्कार किया जाता है। आज भी ऐसा ही एक संस्कार था, प्रति साल की तरह इस साल भी हुआ है। आज 3 जो बटू थे, जो कुमार थे, उनको ब्रह्मचर्य व्रत में उनको ब्रह्मचारी बनाया गया है, उनका व्रत बंद किया गया है। और जो संस्कार के हिसाब से जो होता है, यहाँ पे शिखा रखी जाती है, यहाँ पे वपन मतलब कि बाल निकालने पड़ते हैं, वो एक यहाँ का मूलभूत रूल है, यहाँ का नियम है। और बालक की जो उम्र है वो 8 से 12 के बीच में ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा के जो बालक है उनका संस्कार यहाँ पे संस्था द्वारा नहीं किया जाता। तो आज प्रति साल की तरह इस वर्ष भी ये काम किया गया।